देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये हाँ, क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग जानते हैं क्या? जो झारखंड से होंगे उनको तो पता होगा। तो दोस्तों दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, और हम लोग भी बिल्कुल एकदम अच्छे हैं, मस्त है पूरा। अभी देखिए सोनी एकदम नहा के अभी जस्ट आ रही है। हम तो नहाए भी नहीं है, अभी हम जाएंगे। हाँ काहे कि इसको पूजा करना है, हमको भी करना है, लेकिन पहले ये किचन में भी तो काम करेगी, है ना। और सोनी अभी कुछ नया डिश लेके आई है जो हाँ हमेशा हम दोस्तों, लोग का यहाँ नहीं मिलता है ना जी। मतलब यही मिलेगा, लेकिन हर महीना में नहीं मिलेगा, अभी एक ही दो महीना है जो ये खाने के लिए मिलता है। और इसका मतलब कहाँ पेड़ होता है, लतर होता है, क्या होता है, सब सोनी बताएगी। हम क्यों बताएंगे, आपको पता नहीं है। हमको पता है। और इनको डिटेल में बताने नहीं आया तो मम्मी बताएगी। तो तो दोस्तों अभी किशन परी तो स्कूल चल गया है, वो लोग दोनों सवेरे स्कूल चल गए, उसके बाद हम अपना काम करके नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। ये तो अभी नहाए नहीं है, इनको अभी टाइम है अभी नहाने हम में। नहाएंगे तुरंत। और हमको पूजा करना बाकी है, अभी किए नहीं है, लेकिन मेरा उससे बाल उनको देख रहे हैं, पूरा भींगा का ही, पूरा उससे भींगा पहले हुआ है। सोचे कि आप लोग को एक चीज दिखा दे। ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये हाँ क्या है दोस्तों, बताइए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, ये क्या है। जो झारखंड से होंगे उन लोग को तो पता होगा, जो झारखंड से बाहर के होंगे शायद उन लोग को पता नहीं होगा। तो इसको झारखंड में क्या बोला जाता है? तो बताइए आप लोग कि दोस्तों पहले हम लोग बताएं। इसको हम लोग का मतलब झारखंड में क्या, हम लोग का गांव में इसको जैसे। हम लोग का गांव में हम बता देते हैं। देखिए पत्ता निकल रहा है, अगर हम लोग इसको 1 घंटा 2 घंटा छोड़ देंगे ऐसी, कल लाए पूरा थे तो खिल पूरा जाएगा। नहीं खिला था, आज पत्ता निकल गया। ये घर में रखा रखा ही हुआ, रखा ही में निकल जाएगा पत्ता। हाँ और इसको बोलते हैं हम लोग खटमीट साग, और इसका नाम है फुटकल। हाँ और इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है। हाँ बड़ा बड़ा होता और है, जैसे आप लोग को पता होगा एक ये क्या का पेड़ होता है, जितिया। नहीं, फुटकल होता है जो पीपल का पेड़ जैसा ही हाँ इसका हाँ पेड़ होता हाँ है। तो पीपल को तो हर जगह जानता है कि भाई पूजा होता है उसका, तो उसी का दूसरा चीज है ना, जिसे आम में हो गया लंगड़ा आम, मलदा आम, तो उसी में से एक पेड़ है ये इसका, खाने में खट्टा फुटकल लगता है। है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हल्का खट्टा लगता है। और सबसे बड़ा फायदा दोस्तों इसका बताते हैं, अगर कभी भी आजमाना है तो कहीं आप लोग का मिलता है तो लेके जाइए। अगर आपका पेट गर्म हो गया है, कुछ उल्टा सीधा आप खा लिए हैं, तो इसका चटनी बना के खाइए, इसको है बॉईल करके ना। सुखाया भी जाता है, सुखा के मतलब साल भर रखता है आदमी क्या। तो इसको जैसे आप लोग पेट दर्द कर रहा है, जिसे आपका पेट गर्म हो गया है, तो इसको आप बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद इसको चटनी बना के खाइए, और चटनी काफी मजा आता है। आप लोग दोस्तों इतना नहीं, इतना नहीं, बहुत एक कटोरी खा जाइएगा। लेकिन उसके लिए आपको बताएंगे हम लोग कि कैसे बनाते हैं चटनी। इसको अभी बॉईल करके इसके बाद जैसे कोई भी आप धनिया पत्ता वगैरह का जो चटनी पीसते हैं वही प्रोसेस है। और बाकी एक और है कि इसको बॉईल करके मतलब धूप में पूरा सुखाया जाता है, पूरा सूख जाने के बाद उसको रख के आदमी गर्मी का दिन में जा अच्छा देता है। एक चीज बताओ, तुम अभी इसको क्या बनाने वाली है? इसको तो हम अभी इसका हम माड़ बनाएंगे, जो चावल का जो माड़ निकलता है तो दोस्तों उसके मार साथ। मतलब समझ रहे हैं ना, जो चावल हम लोग का अरवा चावल नहीं, उसना बॉयल चावल। की, हाँ बॉयल किया हुआ चावल को हम लोग उसना बोलते हैं। और उसना चावल से इसको जो भात बनने के बाद मार पसाते हैं, वो मार से इसको हम लोग बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे वो सोनी बताएगी, तो है सबसे ना। पहले हम इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं, तो ये पूरा इसको बॉईल हाँ हो जाएगा, उसके बाद फिर। देखिए हम लोग कुकर में डाल दे रहे हैं इसको बॉईल करने के लिए, मस्त एकदम ग्रीन ग्रीन, एकदम ग्रीन ग्रीन। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग ठीक है टाउन में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग यूज पूरा देसी करते हैं। आप देख सकते हैं, हो सकता है बहुत कोई इसको जानते भी नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं। और अभी फर्स्ट डे हम जैसे कल मार्केट गए थे तो कल ही चढ़ा था, हम फर्स्ट लेके आए हैं ना सोनी। हाँ, और अभी गर्मी भर हम लोग इसको खाएंगे, यहाँ हम लोग का जो अलग अलग मार्केट बनाते है, हैं। जो मार्केट हम लोग कल परसों का जो वीडियो में दिखाए थे, उस मार्केट में मतलब ये सब सारा चीज मिलता है क्या हम लोग का पूरा। जो शालीमार बाजार है ना,
वहाँ हमको लगता है 200-300 किलोमीटर से हरा सब्जी लेके आते हैं, जो हम ये लेके आए हैं फुटकर, ये लचड़ागढ़ बानो पड़ता है, बानो से लेके आया है, यानी कि यहाँ से हमको लगता है 200 किलोमीटर हो ही जाएगा, 100-200 किलोमीटर से लेके आया है इसको बेचने के लिए। आप सोच सकते हैं कितना फेमस मार्केट है हम लोग का। इसको हम पहले बॉयल कर देंगे, अभी दो या तीन सीटी लगवाएंगे, उसके बाद फिर बॉयल हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे इसको बनाते कैसे। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर ये अच्छे से बॉयल हो गया है पूरा, इधर देखिए पूरा अच्छे से बॉयल हो गया है। अभी इसको इसमें निकालेंगे, देखिए इस तरह से बॉयल होने के बाद दिखता है। तो दोस्तों इसमें जो पानी डाले थे उसको देखिए इस तरह से पूरा निचोड़ लेना पड़ता है, क्योंकि इसका पानी जो है वो निकल जाएगा। देखिए इसे निचोड़ देने के बाद हो जाता है। तो इतना सारा को तो बनाएंगे नहीं, थोड़ा ही बनाएंगे, बाकी को हम लोग बाद में चटनी पीस के खाएंगे ऐसे। तो दोस्तों देखते हैं अभी हुआ है कि नहीं। सोनी इसको देखिए पूरा मसल दे रही है, इसको मसल लेना पड़ेगा। देखिए सोनी थोड़ा हाथ से ही पूरा इसको मसल दे रही है, जैसे आलू का दम बनाते हैं। और थोड़ा सा में ही हो जाता है ये, क्योंकि खट्टा रहता है ना, इसीलिए ज्यादा बहुत खट्टा रहता है। और हम लोग का जो बनेगा वो स्वादिष्ट चटनी बनेगा है जी, और वो आज नहीं कल बनाएंगे हम लोग चटनी, कैसे तो बनाएंगे उसको भी बताएंगे आप लोग। आप लोग जो जो हमारा वीडियो देखते हैं, कौन कौन ये मतलब खाए हैं, ये जरूर हम लोग को कमेंट करके बताइएगा। इसको अच्छे से मल ले रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसको मतलब मिक्सर में भी पीस सकता है, मिक्सर में हाथ से ही हो जा रहा है। हाँ तो हाथ से हो जा रहा है, तो फिर इसको पीसने का जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सोनी रेडी हो गई है इसको प्याज काटने के लिए। काट दे क्या? हम प्याज इसलिए नहीं काट रहे ना कि हम मेरा आंख में बहुत आंसू आता है ना जी, है तो इधर सोनी काट रही है, काहे कि सोनी का आंख में आंसू नहीं आता है इसको काटने से। ऐसा नहीं कि सोनी का आंख में आंसू सूख गया है ना जी, है थोड़ा सा दिखा तो ऐसे करके देखिए मस्त काट ले रही है। इसमें प्याज लहसुन मिर्चा लगता है, तो इधर हम लहसुन भी छील के पहले से ही रख लिए थे और इधर मिर्चा काट रहे हैं। और यहाँ पर देखिए चावल का जो पसाया हुआ मार जो है वो रखे हुए हैं हम लोग, उसी से बनेगा यहाँ, इसी से बनता है। क्योंकि चावल जो हम लोग बनाते हैं बहुत कोई कुकर में बनाता है, हम लोग डेक्ची में बनाते हैं, जो मार में भी बहुत सारा विटामिन रहता है तो आदमी फेंक देता है। तो इस टाइप से सब्जी बनाने से क्या होता है ना, वो मार मतलब फेंकते भी नहीं है और आपको सारा प्रोटीन विटामिन जो है वो खाने के लिए मिलेगा। तो इधर मेरा तेल गर्म हो गया है, तो हम सोच रहे हैं कि सोनी को भी बोलेंगे ना कि बहुत विटामिन है तो एक गिलास मारे दे देंगे इसको, क्या देख रहे हैं ना पूरा डोले सोले बनाई है, कुछ नहीं है। तो इधर देखिए तेल गर्म हो गया है, हम मिर्चा डाल दिए, डाल देंगे लहसुन, लहसुन को भी अच्छे से जला लेंगे, ये जल जाएगा, उसके बाद इसमें हम लोग प्याज डालेंगे। यहाँ देखिए प्याज भी सोनी डाल दी, अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सोनी का प्याज जल चुका है, अब इसको जो फ्राई हो गया है मार है, अब देखिए मार जो ये वाला मार है उसको डालेगी। तो इसको मिला ली, अब मिलाने के बाद ये रहा, आपको जितना खाना है उतना, हम लोग इतना हो जाएगा ना, डाल दो सबको, इतना कौन खाएगा, एकदम मस्त दिख रहे हैं। अब ये खौल लेगा, उसके बाद में ये वाला साग जो रखे हैं ना, जो खौल जाएगा ना, तो हम लोग इसको डालेंगे, डाल के फिर से खौलाना है, इसको डालेंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लोग का जो मार था वो अच्छे से खौल गया है, अब इसमें हम अपना जो साग है उसको देख सकते हैं इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखिए अभी इसको भी पूरा खौलाना है अच्छे तरीके से। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं नमक, जो कि डालना भूल गए थे हम।
तो दोस्तों हम लोग का जो है माड़ का रेसिपी बन गया और हमको भूख भी लग रहा है और हमको जाना भी है कहीं, तो चलो हमको खाना दो जी। हो गया ना बाकी? हाँ, हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम ग्रीन ग्रीन टाइप से लग रहा है, फुल ग्रीन ग्रीन तो नहीं है लेकिन एकदम मस्त तड़का उड़का छौका सब लग गया है ये ना सोनी। हाँ, तो चलिए जल्दी से आपको खाना देते हैं। चलो तो दोस्तों देख सकते हैं इधर इनको हम खाना दे चुके हैं, इधर पत्ता गोभी मटर का सब्जी और ये माड़ है जो कि बन के रेडी हो गया है। अभी ये खा के बताएंगे कि कैसा बना है। मस्त बना है जी। और इनको तो ऐसे भी ये वाला साग बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट चीज है। और इसका टेस्ट कैसे बताएं आप लोग को, आप लोग रहते सामने तो बताते कि खा के। हाँ, बहुत एकदम मतलब ये साग खाने में बहुत फायदा है क्योंकि पेड़ का पूरा ऑर्गेनिक है क्या, इसमें कोई मिलावटी नहीं। एक तो माड़ भी रहता है, ये साग भी रहता है। तो चलिए ये खाना खाते हैं, इसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम खाना खा लिए हैं और बहुत अच्छा लगा हम लोग का जो माड़ भात था। और आप लोग को कैसा लगा? और आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग का माड़ भात कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं।